नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं रेलवे जेई एग्जाम के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि रेलवे जूनियर इंजीनियर का जो है वो एग्जाम यहां पर चल रहे हैं और मैं लगातार आपको डेली यहां पर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सभी आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। साथ में आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर देता हूँ, आपको बताता हूँ कि आगे आपसे कौन कौन से क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्पफुल रहने वाला है। इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं 24 मई 2019 को पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। इसमें हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके बाद आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें हम जनरल साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें मुझे जितने भी क्वेश्चन अभी तक मिले हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यदि मुझे और क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं रात में आपको जो है वो पूरे यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, पूरे क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल बटन पर भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मुझे जो मिला है वो है हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के बाद जो है कौन हमारे देश के राष्ट्रपति बने, तो वो कौन बने, एस राधा कृष्णन। ठीक है, याद रखिएगा एस राधा कृष्णन जो है वो 62 में यहाँ पर 1962 में राष्ट्रपति बन गए थे, राइट। उसके पहले राजेंद्र प्रसाद थे और जब राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे उस समय एस राधा कृष्णन कौन थे, तो वो थे उपराष्ट्रपति, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट थे। तो आप इसको यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हेन वाज द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड। जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं वो पहला कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो कब हुए थे, तो ये हुए थे 1930 हैमिल्टन कनाडा में। पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में जो है वो हुआ था। अब आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जो रिसेंट में होने वाला है और जो फ्यूचर में होने वाला है वो आपसे यहाँ पर पूछा सकता है। अभी रिसेंटली यदि हम बात करते हैं तो 2018 में जो ओलंपिक गेम्स हुए ये हुए कहाँ पर, गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड में। और इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, तो आप जो है वो सर्च कर लीजिएगा या आपको आई बटन पर मिल जाएगा वीडियो कॉमनवेल्थ गेम्स का, ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। और अब आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि 2022 में कहाँ होने वाले हैं, तो 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये होने वाले हैं बर्मिंघम इंग्लैंड में। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो 1930 में पहली बार हुए थे हैमिल्टन कनाडा में, 2018 में हुए थे गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड में, और 2022 में होने वाले हैं बर्मिंघम इंग्लैंड में। नेक्स्ट है यहाँ पर वेयर वॉज द फर्स्ट स्पाइस कॉन्फ्रेंस हेल्ड। जो पहली स्पाइस कॉन्फ्रेंस हुई है वो कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है भारत में, कहाँ पर, कोच्ची में। तो आप इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मृणाल सेन इज फेमस फॉर, मृणाल सेन जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये जो है वो एक फिल्म मेकर है। कौन है, फिल्म मेकर है, इसको आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। फिल्म मेकर है, इंडियन बंगाली फिल्म मेकर बेस्ड इन कलकत्ता, ठीक है, तो ये कोलकाता के रहने वाले हैं और इंडियन बंगाली के फिल्म मेकर हैं। विच स्लोगन वॉज यूज इन द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसमें कौन सा स्लोगन दिया गया था, किस स्लोगन का यूज किया गया था, तो वो था डू और डाई, मतलब कि करो या मरो, है ना, करो या मरो का जो है वो यहाँ पर नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो वो हुई थी 9 अगस्त 1942 को। कब हुई थी, 9 अगस्त 1942 को जो है वो यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज सिचुएटेड इन, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। यदि आप हेडक्वार्टर्स पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आपको किसी सब्जेक्ट पर, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो सभी बताते जाइएगा, आपको बहुत जल्दी सभी वीडियो जो है वो यहां पर मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड इन विच ईयर, ओलंपिक गेम्स जो है वो किस साल में जो है वो शुरू हुए थे, तो ये हुए थे 1896 में। कब हुए थे, 1896 में हुए थे ग्रीस में, और ग्रीस में कहाँ पर, एथेंस। तो एथेंस ग्रीस में जो है वो 1896 में हुए थे ओलंपिक गेम्स। इसको आप याद रखिएगा, विंटर ओलंपिक्स हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। दो ओलंपिक होते हैं, एक होता है विंटर, एक होता है समर ओलंपिक, है ना। तो विंटर ओलंपिक की हम बात करें तो 1896 में हुआ था एथेंस ग्रीस में। और यदि हम रिसेंटली बात करें तो 2018 में जो है ये हुए कहाँ पर, प्योंगचांग साउथ कोरिया में, ठीक है, ओलंपिक विंटर गेम्स। इस पर ही मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, आप लोग जरूर इसको देखिएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें इन फ्यूचर कहाँ पर होने वाले हैं, तो 2022 में होने वाले हैं बीजिंग चाइना में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा, तो आप इसको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था विच सिटी इज कॉल्ड द पिंक सिटी, पिंक सिटी जो है वो किसको बोलते हैं, किस शहर को बोला जाता है, तो वो बोला जाता है जयपुर को। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, शुभमन गिल इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, शुभमन गिल जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये है क्रिकेट से संबंधित, ठीक है, ये पंजाब के रहने वाले हैं, क्रिकेट से संबंधित हैं और अभी आईपीएल में भी खेल रहे हैं, किसकी तरफ से, कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर विच इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पूर्वी जो प्रदेश है वो कौन सा है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। इसके लिए आपको जो है वो इंडिया का पूरा जो है मैप देखना होगा, तो आप इंडिया के मैप को जरूर पढ़िएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो पूर्वी स्टेट कौन सा, सबसे पूर्व में कौन सा स्टेट है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, वो है ईटानगर। ठीक है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। जो नॉर्थ ईस्ट की कंट्री होती हैं, जो उत्तर पूर्व की जो कंट्री है सेवन सिस्टर्स, वहाँ की आप राजधानियाँ जरूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इसके अलावा हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है चीफ मिनिस्टर कौन है अरुणाचल प्रदेश के, तो वो है पेमा खांडू। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेम द फर्स्ट वुमेन हु वेंट टू स्पेस, स्पेस में जाने वाली पहली महिला कौन थी। ठीक है, अंतरिक्ष में स्पेस में जाने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो थी वैलेंटिना टेरेस्कोवा। राइट, तो स्पेस में यदि हम बात करें या अंतरिक्ष की यदि हम बात करते हैं, तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी वैलेंटिना टेरेस्कोवा। इसके अलावा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि मैं जो है वो अनअकैडमी पर पढ़ाता हूं, आपको पता होगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी पर जो है मैं पढ़ाता हूं डेली, वहां पर लाइव क्लासेस आपको देता हूं, और वहां पर रेलवे एग्जाम के लिए स्पेशल मेरे क्लासेस चल रही हैं, स्पेशल मैं 2 घंटे वहां पर पढ़ाता हूं, साथ में जो टॉप एजुकेटर्स हैं इंडिया के वो सभी आपको वहां पर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या कीजिए, मैं आपको सिंपली यहां पर बताता हूं। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाइएगा, शशांक कौरम नाम लिखकर सर्च कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, फॉलो बटन पर क्लिक करके, और 30 से ज्यादा कोर्सेज बनाए हुए हैं, आप उनको देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी को देखिए और उनका बेनिफिट लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। और मुझे वहां पर कमेंट करके बताइएगा कि हम जो है वहां पर चैनल से यहां पर आए हैं। इसके अलावा मैं अनअकैडमी प्लस पर भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, उसमें आपको एक टैब मिलेगी जो अनअकैडमी प्लस होगी, वहाँ पर मेरा अभी कोर्स चल रहा है रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। इसके अलावा जून में वहाँ पर 40 घंटे लाइव क्लास आपको देने वाला हूँ। ठीक है, 40 घंटे पूरे जून के महीने में लाइव पढ़ाऊंगा, तो आप वहाँ पर जाकर जो है वो रेलवे एग्जाम कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने का। मैं बोलूँगा कम से कम 3 महीने का आप सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, बहुत कम फीस है, मेरा एक कोड यूज़ कर लीजिएगा तो आपको वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं इस कोड को यूज़ कीजिएगा SKAUREV13, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और भी जो इन्फॉर्मेशन आपको कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, और यदि आपको लाइव क्लास पढ़नी है तो आप जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको इस वीडियो में यहाँ पर देनी थी, आई होप आपके लिए सेशन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे, और साथ में जितने वीडियोस आपको बनाता हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल यहाँ पर रहते होंगे। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही और भी नेक्स्ट सेशंस में। थैंक यू, जय हिंद।